ट्रेवल के बाद घर आके सोने का जो मजा है ना भाई, वो हमारे घर में ना दो तीन तरह के लोग हैं। मैं आपको जो खाना बनाना बहुत बेहतरीन जानते हैं, खुशी की आटा बनाने में बहुत दिक्कत होती है भाई दीदी। क्या रोटी बना देगी आज तो एकदम वेदर चेंज हो ना, वहाँ ठंड थी गर्मी, मेरे को ऐसे घबराहट से चक्कर चक्कर भाई। 30 की सबसे प्यारी आपको कमेंट लगा करेगी ना, तो उस आउटफिट का गिव अवे हम उसे क्या करेंगे। करने वाले हैं DNGG के ऊपर बहुत तगड़े वाला प्रैंक करेंगे, ऐसा की हमारी थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई होगी। बहुत पटाखे चले, आज हो चुके 22 तारीख और आज राम और यस और सब लोग दिवाली की तरह मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। हम लोग उठ चुके हैं, ट्रेवल के बाद घर आके सोने का जो मजा है ना भाई, वो मुझसे ही पूछो, मैं ही बता सकता हूँ उस बारे में डीपली थोड़ा सा। दीदी भी उठ चुकी है और दीदी को ना गर्मी भाई इतनी खाती है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। दीदी को चाहिए AC के बिल्कुल अंदर सोना है ना खुशी, और हम दोनों पति पत्नी तो ऐसे हैं, मैं तो कहीं गिरा दो भाई, तो हम तो कहीं भी सो जाते, मजा आ गया। लेकिन है ना सारा रिलैक्स नहीं मिल गया बॉडी को, सच बताना है ना। और एक चीज हो रही दीदी, ठंड में रह के जुकाम वुकाम फील हो रहा था ना, सारा रिलीज होने लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना। आज के दिन की करते हैं शुरुआत, क्योंकि हम लोग करनी है अब सबसे पहले शॉपिंग एंड पैकिंग, बिकॉज फिर हम लोग सोच रहे हैं कि लास्ट डे हम लोग टेंशन ना ले, जिस दिन हम लोग फ्लाइट है उस दिन हम लोग सुबह से शाम तक सिर्फ रिलैक्स करेंगे, चिल करेंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत लंबा ट्रैवल करना है। ठीक है, तो जल्दी से अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, खुशी ने बनाई है कॉफी एंड पोहा, खा के फिर आगे का प्रोग्राम सेट करेंगे। हमारे घर में ना दो तीन तरह के लोग हैं, मैं आपको मिलवा देता हूँ। एक तो दीदी की तरह के लोग हैं जो खाना बनाना बहुत बेहतरीन जानते हैं, खुशी की तरह के लोग हैं जो आटा गूंदना और रोटी बनाना बहुत अच्छे जानते हैं। दीदी को आटा बनाने में बहुत दिक्कत होती है भाई, दीदी कहते हैं भाई आटा बना दो, सारे काम कर दो। क्या रोटी बना देगी आज तो, क्या बना रहे थे हम, कढ़ी चावल। कढ़ी चावल फिर रोटी क्यों बना रहे हैं, जब कढ़ी चावल बना रहे हैं मैं भी मुझे भी रोटी पसंद है कढ़ी के साथ, मैं खाता हूँ, मतलब मैं खाता हूँ चाहे एक खाऊं। दीदी ब्रेड क्यों मंगाई हमने, मंगा लिया भाई कुछ खाना, मन कर रहा है यार, भूख मुझे इतनी तेज लग रही है। मैंने लिए वो मंगाया, मेदू वड़ा मंगाया, इमेसिव भूख, क्योंकि अभी मैंने कब तक रेडी होएगा, सबको भूख लग रही है यार। खुशी यार जल्दी खाना वाना बनाओ यार, पर पता मेरे साथ क्या हो रहा, मैं कह रही हूँ एकदम वेदर चेंज हो ना, वहाँ ठंड थी गर्मी, मेरे को ऐसे घबराहट से चक्कर चक्कर भाई। 30-31 डिग्री टेम्परेचर है, अब सब लोग कमेंट सेक्शन में आके कहेंगे भाई आपने ऑफ क्यों पहना हुआ है भाई, टर्राके की धूप है और इतने भयंकर धूप है कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, मतलब 30-31 जाता है, रात को हो जाता है थोड़ा सा वेदर ठीक, इसमें थोड़ा अवॉइड करें, कभी सोचे कि वो फैला रखा, अभी हमारे वो दीदी आई नहीं है एक लड़की आ रखी है, बाकी काम थोड़ा कम कर रही है, चलो इससे इतना हो रहा है वो करवा लेते हैं, आटा वाटा गुनवा लेते हैं, बाकी हम देख लेंगे। लड़की बहुत अच्छी है, बहुत कम यार देख रहा हूँ मेंदू वड़ा कब तक आ रहा है, भूख बहुत तेज है। मुंबई में अच्छी चीज़ हो रही है क्योंकि जैसे वड़ा पाव, मेंदू वड़ा, इडली सांभर, ये सब चीज़ों का इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि कॉफ़ी बहुत सारे फेमस लोग हैं जहाँ से आप लोग खा सकते हो, तो मतलब ये है कि इंस्टेंट फूड है, एकदम मंगाओ और खाओ लो, ये इतना अनहेल्दी भी नहीं होता, डोसा वगैरह सब चीज़ें और चीज़ों के मुकाबले फिर भी ठीक है, चाइनीज़ वगैरह के मुकाबले। यार नोनू आपने भी बाबू ड्रेसेस की ऐसा इलाज कर रखा है। नोनू एक बात सुनो यार, मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था कि अब से ना हम एक छोटा सा काम करेंगे, मेरे दिमाग में काफी टाइम से आ रहा था कि हम लोग आपकी जो रील्स डालते हो आप नई नई आउटफिट्स में, उन पे कमेंट का हर वीडियो पे हम कमेंट का गिव अवे रखा करेंगे, तो जो मतलब जिसकी सबसे प्यारी आपको कमेंट लगा करेगी ना, तो उस आउटफिट का गिव अवे हम उसे ही किया करेंगे। जैसे मैंने अपनी मतलब वीडियो पे गिव अवे करा था, तो एक कमेंट मतलब बहुत लोग बोल रहे थे उस कमेंट का विनर कौन है, तो मैं बता देता हूँ कि उस कमेंट में विनर था, नाम भी बता दूंगा, नाम मेरे माइंड से निकल गया उनका, उन्होंने बोला कि भाई मुझे आपकी कोई भी फेवरेट हुडी आप गिव अवे कर दो प्लीज, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी पीछे मैं इस पे छोटा सिग्नेचर करूंगा जिससे आप उसको पहन भी पाओ, और अपनी सबसे फेवरेट हुडी निकालने वाला हूं, एक लाइट पर्पल कलर की है जिसमें मैंने एक म्यूजिक वीडियो भी शूट करा था, और खुशी के बर्थडे वाले दिन भी मैंने इसको पहनी थी, तो हम वही करा करेंगे ठीक है। तो अब जैसे ये आउटफिट है, सारी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है मेरी, अरे तो स्विमिंग तो वे भी करते होंगे वी के फैम भी यार, ऐसे थोड़ी है। तो आप कमेंट क्या करना रील्स पे बहुत प्यारे प्यारे, और हम लोग क्या करेंगे हर आउटफिट का गिव अवे। क्या क्या मंगाया बेटू, वड़ा पाव, दिस इज वड़ा पाव जी, मेंदू वड़ा मेरा लगाएगा ना, खुशी को बहुत स्ट्रेस हो रही है क्योंकि बहुत सारा काम अभी हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, और इस चक्कर में बेचारी बहुत परेशान हो रही है। आज हम लोग करने वाले हैं DNGG के ऊपर बहुत तगड़े वाला प्रैंक। हम लोग सुबह से किसी किसी बातों को लेके बिना बात के इरिटेट हो रहे हैं एक दूसरे से, और खुशी ने बोला था कि वो आज रात तक हम लोग एक्ट करेंगे, ऐसा कि हमारी थोड़ी थोड़ी बातों पर लड़ाई होगी, और जब खुशी शॉपिंग करके और हम दोनों बाहर जा रहे हैं पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे प्लान, आके लड़ेंगे। बाबू दवाई ले मेरे बच्चा, ठीक है। तो खुशी थोड़ा सा परेशान भी फील कर रही है बिकॉज बहुत सारे काम अभी हमारे रहते हैं, और लड़कियों को आप लोगों को पता है बहुत सारा सामान लगता है पैकिंग शैकिंग करने में, तो इसलिए इसको स्ट्रेस हो रहा है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा, तो स्टे ट्यून्ड, मज़ा आने वाला है।
जीजू आर यू रेडी? रेडी बिल्कुल निकले बिल्कुल चलो। सो हम लोग निकल रहे हैं गाइस। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों को तो बहुत माइनर सी शॉपिंग करनी है, चलेंगे जो कुछ अगर पसंद आ गया तो जल्दी जल्दी उठा लेंगे, अदरवाइज तो इनफ कपड़े हैं, वरना मैं ज़ारा से प्लान करूँ कि ज़ारा से ले लूँ दो तीन आउटफिट अच्छी अच्छी, अदरवाइज फिर जल्दी से निकलेंगे। मतलब हमारे थे कल तक पैकिंग करके खत्म कर लें, परसों पे ना छोड़ें, अगर परसों पे छोड़ेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी यार, इसीलिए। सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए, चलें जल्दी। सो गाइज फिलहाल हम लोग बाहर थे, हम लोगों ने शॉपिंग वॉपिंग करी, सारा कुछ डन कर लिया, और अभी जीजू को मैं बॉम्बे के एस्थेटिक वो खिला रहा हूँ, फ्रेंकी मतलब जिसे रोल बोलते हैं हमारे यहाँ। जीजू ने भी वही बात बोली कि हर जगह का एक आइडियली टेस्ट होता है जो आदमी पहचान लेता है एकदम, तो बॉम्बे की हर चीज़ में जीजू को एक टेस्ट आ रहा है वैसे, सही ना, हर चीज में आएगा आपको। बाकी तो आप कुछ खाओगे नहीं आप, क्योंकि टेस्ट तो सबका सेम ही है, टेस्ट अलग है, समझे नहीं। एक उनके अंदर एक एक टेस्ट वो सब में चीज, एक फ्लेवर ऐसा होता है वो जिसे आदमी समझ जाता है कि तो मिल रहा है हर जगह, है ना छोड़ी, यही बात है ना भाई, अच्छी बात है ना। और हैरियर को लेकर हम पहली बार आए इस बार बॉम्बे, वो ये भी मतलब एक स्मूथ ड्राइव है, मजा आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, खुशी भी होने वाली है फ्री कुछ ही टाइम में, उसके लिए मैंने क्रीम रोल ले लिया, एक मैंने खा लिया। गाइस इसके चक्कर में मैंने आज बाहर कुछ नहीं खाया, रोल वोल भी जो खाए जीजू और शोरे ने खाए। और ये टेंशन मत लियो कि तुझे लगे कभी ऑयल है, ये घी है। मुझे पता है, मुझे पता है आप मेरी हेल्थ के साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज तो करोगे नहीं। ओए 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 मैं कहता है कॉम्प्रोमाइज तो है ही नहीं। दीदी यार बस दीदी, भगवान आपकी उम्र लगा हुआ यार। सुन जब हम बताएंगे इसको शूट करने, ये सारा वीडियो होने के बाद, हाँ ये सब शूट करने की बात करेंगे, बात करेंगे, हाँ सुबह सुबह हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बैठ के गपचुप भी मार लेंगे ना इस बारे में, फिर हंस तो लेंगे अभी करके, तो फिर हो जाएगा। हमने एक बार तो ऐसे वो शूट नहीं हो पाया था, एक बार तो सिनारियो दिखा दिया घर वालों को, उसमें दीदी ऐसे करी, तुम दोनों को क्या हो रहा है, तुम दोनों बात करेंगे ऐसे करेंगे। उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, कैमरे वैमरे में कोई बसड़ हो गई थी, लेकिन इस बारे में पक्का करें, क्योंकि तब तक हमारे साथ शौर्य में मैच नहीं हुआ था, तो मुझे ऐसा था कि अगर शौर्य मैच नहीं हो रहा तो एक बार आपकी बार शौर्य को मैच करना। सो गाइस हम लोगों ने एडवांस में डेकोरेशन कर ली, अभी बज चुके हैं सुबह के 5। सो गाइस 12 बजने के बाद दिए जल चुके थे और डेकोरेशन हम लोगों ने कर ली, बिकॉज अभी 5 बज चुके हैं और आज हो चुके हैं 22 तारीख, और यस और कुछ ऐसी वाइब लग रही है, सब लोग दिवाली की तरह मना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहली बार हुआ है कि एक दिवाली अगर हम लोग मुंबई में, हमने सोचा मुंबई वाले घर को भी अच्छे से डेकोर करते हैं।